कैमरा नीचे कर। अरे इधर बैठ, इधर बैठ, कैमरा नीचे कर। क्या है भाई, बड़ा हीरो। ओए क्यों, अभी सारा हीरो पड़ा निकाल दूंगा मिनट से पहले। वो पैसे देने के लिए आपने बुलाया था? कहां मैंने तेरे को बुलाया? मैं तो पैसे के पैसा पैसा पैसा। तुमने मुझे धक्का कैसे दिया है? कुछ भी करे इसके साथ क्या असली पकड़ कैसे मारा मुझे? क्या भैया हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ में है विजय, राहुल। तो दोस्तों अंकल जी की कुछ प्रॉब्लम है, पूछते हैं अंकल जी से क्या प्रॉब्लम है। अंकल जी बताइए क्या प्रॉब्लम। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई मेरे। मैं जब से इसकी शादी करी थी पहले, ये बेटा है मेरा राहुल, राहुल अच्छा। नाम है इसका। इसकी शादी करी थी और वो इसके साथ 6-7 महीने रहने के बाद इससे डाइवोर्स लेके चली गई। ओके। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से एक लड़की को उठा के ले आया और मेरे गले मर दी इसने। अब वो ना तो मेरे को टाइम से खाना देती है और ना ही मेरे को टाइम से दवाई देती है, और कुछ मांगता हूँ तो धक्के मारती है, और यहाँ तक कि मेरे से अपना एलिगेशन लगाती है कि ये मेरे से अश्लील हरकतें करता है। तो मैं इस उम्र में करूंगा क्या? क्या चोरी चल रही है? किससे क्या बोल रही है? बीवी है वो मेरी। अच्छा बीवी है, बीवी वाले काम तो कर ले। यो तेरा बाप है, इससे ऐसे बोलने लग रहा भाई? बाप है यो तेरा, ये तेरा बाप है, कैसे बोल रहा है इसमें? बुड्ढे है ना है? और ये क्या कैमरा मेरा लगा के शूट कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? यहाँ से मिलवाऊंगा, किससे मिलवा रहे हो? ये किससे? बंदा है अपना, वो मेरा दोस्त है, उसका लड़का है। दोस्त है तो घर की प्रॉब्लम बताओगे क्या? तुमने मेरी शादी नहीं करी, 50,000 मैंने लेकर आया। मेरा जीना हराम कर रखा है, किसी को बताऊंगा? ओए कैमरा नीचे कर। अरे इधर बैठ कैमरा नीचे। क्या है भाई, बड़ा हीरो। ओए क्यों, अभी सारा हीरो पड़ा निकाल दूंगा मिनट से पहले। ठीक है यहाँ पे बैठ, बैठ गया, साला कर रहा है बकवास। बैठो अंकल यहाँ पे। जीना हराम कर दिया इस दोनों ने मिलके, मेरा मोहल्ले में निकलने लायक नहीं छोड़ा मेरे को। जो भी देखता बुरी नजर से बुरी नजर से देखते हैं मेरे को। आप मेरी बीवी को देखोगे ना तो तुम बोल नहीं सकते। कहाँ से लेके आया उसको? अरे मैं कहीं से भी लेकर आया हूँ तुम्हें। कहाँ से लेकर आया है? मैं कहीं से भी लाया हूँ तुम्हें। कहाँ से लेकर आया है? कहाँ से लेके आया है? मिल लाऊंगा कहीं से भी तुम्हें। कहाँ से लेके आया है? मेरे छाती पे। कैसे लेके आया है? वो उगाने के लिए आया है। एक मिनट, उसका घर कहाँ की है वो? कैसे लेके आया है? मुझे नहीं पता। कैसे लेके आया तू उसको? 50,000 की खरीदी थी मैंने उसको। खरीदी थी? हाँ देखो, आपको पता है इस बात का? मेरे को पता ही नहीं, बस इतना कि मैं गाँव से लेके आया हूँ ये बोला मेरे को। खरीद के लेके आया, शर्म आ रही है? अब ये कह रहा मैं खरीद के लाया। पत्नियां भी खरीदी जाती है, जब ये मेरी शादी नहीं कराएंगे तो मुझे तो खरीद दो नंबर के काम। तो तू ऐसे कर रहा है इसको शादी, अब ये ना रहे तो मैं क्या करूं? जब वही नहीं रहे। चुप हो, मेरे सामने अपने बाप से जुबान मत लड़ा ना, साले जूते निकाल के इतने सिर में मारूंगा। अरे कम से कम वो थी तो मेरे को खाना तो टाइम से मिलता था, दवाई तो मेरी टाइम से मिलती थी, तूने ही नहीं उसको बसने दिया। तुम क्यों उस पे आरोप लगा रहे हो? वो बहुत अच्छी लड़की है। एक मिनट, कैसे ये है ना? दोस्तों प्रॉब्लम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना अंकल को बताने की जरूरत है, आपको पता ही लग चुका होगा। पत्नी खरीद के ले गया है 50,000 रुपए में, पहले डिवोर्स हो रखा है, लेकिन वो ऐसी आ रखी है अंकल जी के साथ करती है अश्लील हरकतें, और ये मानने को तैयार नहीं है भाई। कंधे पे हाथ रख, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी जीना हराम कर दिया मेरा तो। एक मिनट अंकल, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी पत्नी को भी यहाँ पे बुला रखा है। कहाँ पर है? यहाँ पे। अंकल आ नहीं सकती ऐसे तो घर छोड़ के। आएगी आएगी, अंकल ने बोला 10,000 रुपए दूंगा मैं तुमसे, यहाँ पे आके मिलो 10,000 रुपए लेने के लिए यहाँ पे आ रही है। तो इनसे वो पैसे मांगती है? हाँ सब कुछ करती है, बाप से पैसे मांगती है। हाँ 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 पता लगेगा, अभी पता लगेगा। इससे काम भी कराती है, इससे काम भी करवाती है। दोस्तों जब तक इसकी पत्नी नहीं आ जाती है हम कैमरे को साइड में करते हैं, मिलते हैं उनके आने के बाद। मेरे ससुर जी पैसे देने के लिए आपने बुलाया? कहा मैंने तेरे को बुलाया? मैं तो पैसे के पैसा पैसा पैसा। तुमने मुझे धक्का कैसे दिया है? इसलिए थोड़ा बुलाया मेरी औकात बताऊंगी मैं तुझे, समझ में नहीं आ रही? छोड़ के बात कर, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे मैंने बात करने के लिए तेरे को बुलाया? ये जो तेरी अश्लील हरकत है ना इसको बंद कर। पैसे देने के लिए बुलाया? इसको बंद कर।
मुझे पैसे चाहिए। क्या पैसे चाहिए तेरे को? मुझे पैसे चाहिए। कोई पैसा नहीं है। और पैसे हैं मुझे, जो तुमने देने के लिए हमने बुलाया, बात कर ली। अरे कभी तो तू पैसे मांगती है, कभी तू मेरी जायदाद मांगती है। मुझे सब कुछ चाहिए तेरे काहे के लिए चाहिए? अच्छा तूने शादी करी है? अरे छोड़, शादी करी है तेरे को पता नहीं कहाँ से उठा लाया वो। शादी करी है? कोई शादी वाली नहीं, मैं शादी को मांगता। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए इसको, सब कुछ चाहिए, सब कुछ। मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे को देने के लिए। अभी चार पांच बंदों को बुलाऊंगा ना, सब मार के चले जाएंगे। क्या मार के चले जाएंगे? मार के फेंक जाएंगे। हाँ इसलिए बुलाया तुमने मुझे? इसीलिए आई है तू? नहीं इसीलिए आई है तू? मैं पैसे लेने के लिए आई हूँ तुमसे। हाँ पैसे, मैंने तेरे को पैसों के लिए नहीं बुलाया, मैंने तेरे को यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया। जो तू ये हरकतें कर रही है उन हरकतों से बाहर आ जा। कौन सी हरकतें? हाँ ये जो करती है, हक है मेरा। हक है तेरा? काहे का हक है? अरे अपने अपने हक जमाता है अपने पति पे जमा। मैं उसका बाप हूँ, पति नहीं हूँ तेरा। तो मैंने शादी तुम्हारे बैंक बैलेंस के लिए करी है, मुझे पैसा चाहिए तुमसे। पैसा तो पैसा मैं क्यों दूँ? मैं क्यों दूँ? उससे बात कर ना जो तेरे को लेके आया है। मुझे पैसा चाहिए तुमसे। मेरे पास कोई पैसा नहीं तुम्हारे को देने के लिए। हाँ मैं अपने पैसे का जो मर्जी करूँ। एक मिनट अंकल, यही है वो? यही है जी वो? यही है वो? ओ हेलो, किसे बुलाया तुमने? मेरे से पूछ, मेरे से पूछ मैं। अच्छा मेरे से पूछ मैं कौन हूँ? तेरा बाप? क्यों तेरा बाप? तेरा बाप है ये? तेरा तो ससुर है? बाप क्या है? ससुर है मेरा। इसके साथ क्या करूँ मैं? कुछ भी करे, इसके साथ क्या असली क्या इसके साथ असली हरकतें कर रही है? क्या थप्पड़े हम मारूंगा? कुछ भी करूँ मैं। कर रही है बकवास। कैसे इसके गोड्डों में बैठी है? शर्मा रही है तुम्हें? कुछ भी करूँ मैं, कुछ भी करूँ मैं। हिम्मत कैसे है मेरे को हाथ लगा ले? थप्पड़ मारूंगा कान पे। कर रही है बकवास यहाँ पे। बकवास फिर करना क्या करेगी? कुछ भी करूँ मैं। कौन है ये? प्रॉपर्टी दे दो, पैसे दे दो, दूर रहना, पैसे दे दो। हाथ कैसे लगा दूँ? ये ना तो तेरा बॉयफ्रेंड है ना तेरा हस्बैंड है, ये तेरा ससुर है। कुछ भी हो तो क्या करेगी? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तू यहाँ पे पार्क में ड्रामे कर रही है, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी करूँ मैं। क्या करेगी? कर क्या करेगी? कहाँ जाती है ये? आ जा भाई, ओए आ जा, आ जा अभी बताता हूँ। कर कुछ भी करूँ मैं? कर ना, अरे आप लाओ। इसने मेरे बाप के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं। माफ कर देना, मैं शर्म आ रही है तुझे? हेलो हटना भाई, एक बार इधर ही, इधर ही ब्लैकमेल कर रहे थे। सब देख रहा था मैं, सब देख रहा था वहां से तेरी असली हरकत है। मैंने तो इतना प्यार किया, इतना इतना सपोर्ट किया तेरे को, अपने पापा से छुपा के रखा था तेरे को, इतना सा तेरे कान के अंदर जू नहीं रहेंगी। अब पता लग गया ना तेरे को, मेरी वजह से अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। एक मिनट क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं तुम्हें? तुम्हें क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं ये अंकल जी? क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं ये? मेरे साथ जबरदस्ती करने, जबरदस्ती शर्मा रही है। सब देख रहा था वहां से खड़े होके, जो तू गोदी में बैठ रही थी ना उनकी, और मेरे पापा को तूने नीचे गिराया। भैया आप इसका कुछ इलाज करो, आप बिल्कुल सही थे भैया। उधर देख रहा हूँ क्या चल रहा है, क्या लगा हुआ है? ये कैमरा किसने लगाया है यहाँ पे? मैंने लगाया है। क्यों लगाया है? तेरी आज सारी हकीकत मुझे सब पता चल गई। आ जाओ अंकल जी, अब आ जाओ। तू क्या क्या बोलने लग रही थी? क्या बोलने लग रही? इसे पूछो भाई, एक बार इधर आ जा, इधर आ जा अंकल। अंकल देखो कैमरे की तरफ, इसने क्या क्या हरकतें की, इसके खिलाफ कंप्लेंट करोगे अब आप? बिल्कुल करूंगा, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, मेरे को पैसा दे दो, जितना बैंक बैलेंस है सारा मेरे नाम कर दो। और मैंने इसको इतना समझाया, इतना समझाया। आपके साथ ये असली हरकतें कर रही है, पैसे मांग रही है तुझे। मैंने किस चीज की कमी रखी थी जो करूं? अभी कंप्लेंट करी, पुलिस कंप्लेंट करूं? ये तो लायक है क्या पुलिस कंप्लेंट? जेल में डाल दो आप, इसे जेल में डाल दो। ले आया ना गंद, पता लगता है गंद क्या होता है। मुझे माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, माफ कर दो। तेरे को कितना समझाया था मैंने, पर तेरे आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ था। एक मिनट अंकल, एक काम कर, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, निकल यहाँ से। देख लिया भाई, पापा आप बिल्कुल सही थे बाबा। नहीं पापा तो हमेशा करते हैं पापा, क्योंकि आजकल की जो अपना बुलाते हैं वो अपने बाप से ये चीजें नहीं बर्बाद करते। नहीं पापा क्या क्या अब नहीं करूंगा, आप मेरी जान जो तू अपना लक्षण करके आया, उठा के लेके आया, पैसा भी बर्बाद किया, कुछ आया तेरे काम? नहीं पापा आप मुझे माफ कर दो पापा। क्या माफ कर दूं? आज के बाद कुछ नहीं करूंगा पापा, आज का जहां आप बोलोगे मैं वहीं शादी करूंगा। मेरे जैसी औलादें अगर ऐसे करने लगे तो हमारे बुड्ढों का क्या होगा भैया? ये भी तो बताओ ना। मैं क्या बोलूं भाई? बोलो ना प्लीज भैया। मैं क्या बोलूं, तूने हरकतें ऐसे कर रखी है। मेरे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा,
मोहल्ले में निकलता हूँ, ये राहुल का बाप है, ये राहुल का बाप है, ये संस्कार दिए हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है मेरे को। अब एक ही चीज है अंकल जी, इससे किसी तरह आप अपना छुटकारा पाइए, ये वीडियो दिखा के इसको डराइए, धमकाइए, इसको भगाइए, अगर अगर कुछ नहीं होता, ये नहीं मानती है, तो इसकी पुलिस कंप्लेंट, थप्पड़ मारूंगा कान पे, प्लीज भैया, भैया रोक दो भैया, मैं इतने मारूंगा, वीडियो तुम जैसे लोगों की हकीकत भी तो पता लगनी चाहिए ना। नहीं भैया आज की बात नहीं करूंगा, मेरे पापा का संबंध, भाई वीडियो मैं डालूंगा लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि ऐसे और अंकल आप बताओ, वीडियो बिल्कुल डालनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी तो पता लगे कि ऐसी औलादों का क्या हश्र होता है। आज की बात भाई, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात ऐसी लुगाई की भी है, जो उम्र बंदे भी ऐसे शादी करते हैं, जो पैसे, अरे कल को मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के उनको बंद करवा देती तो उनको पता लगना चाहिए कि ऐसे शादी मत करो, ठीक है। पापा प्लीज बोलो ना, मैं चुप हो जा, मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा भैया, प्लीज भैया मैं थप्पड़ मारूंगा घुमा के अब की बार, चुप हो साले, मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा अंकल, मैं अब इसको मारूंगा। तुम अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन अब थोड़ा चुप, उनकी भी बात सुनना, वीडियो डालूंगा, लाखों हजारों लोग अवेयर करने हैं, इनसे पीछा छुटकारा ले, अगर 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 नहीं होता है तो उसकी जाके पुलिस कंप्लेंट करो, सारी चीजें सच्चाई जाके पुलिस, ये सब कुछ इसी में, साले वो पीछा नहीं छोड़ेगी तो फिर क्या करेगा, मैं उसे छोड़ दूंगा पापा, ऐसे नहीं छोड़ देगा वो, थोड़ी ना छोड़ेगी ऐसे, वो तो पैसा मांगेगी फिर तेरे से, जब मेरे से पैसा मांग सकती है तो तेरे को भी तो ब्लैकमेल कर सकती है वो, बहन चुप 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 साला कर रहा है बकवास अंकल, पुलिस कंप्लेंट करना, अभी इसकी भी करना, इसकी भी करूंगा, उसकी भी करूंगा, पापा प्लीज पापा, तो चुप हो जा, मेरा जीना हराम कर दिया था तुम दोनों ने, आज की बात नहीं होगा पापा, चुप चुप हो जा पापा, प्लीज इनसे बोलो ना पापा, वीडियो डिलीट कर देंगे पापा, डिलीट नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी, पकड़ना इसको भैया, मैं कराऊं वीडियो डिलीट नहीं, बड़ा मीरो बोलेगा वीडियो डिलीट नहीं भैया, नहीं अपनी बोलेगा, सारे आराम से बैठ जा इधर, करा दूंगा ना वीडियो डिलीट, बढ़ा दूंगा यहीं पे तेरे को हीरो, कर दो भैया माफ कर दो अंकल, अगर ये नहीं ऐसे करते हैं दोनों के दोनों, मेरे ऊपर कोई दोबारा बात आएगी, हाँ तो अगर ये भी बकवास करे ना, ये भी एक मिनट में थाने में मुझे ये भी साला हराम कर, मुझे लगता है ये मिला हुआ है, ये दोनों मिलके आपको घर से निकालना चाहते हैं, ये दोनों मिलके मुझे ये लग रहा है, अभी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, अभी छोड़ सकते तो ये भी हो सकता मिला हुआ हो, दोस्तों मुझे तो इस पे भी पूरा शक हो रहा है कि इसने मिलके ये सारी चीजें की हुई है, अपनी पत्नी को इसी ने पीछे लगा रखा है, अरे उसको आगे करके पीछे से सारी अपना वो चबा रहा है, पुलिस कंप्लेंट करनी है अंकल जी, अब आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, दोनों की करनी है, बिल्कुल ना ना ना, अब तो होएगी, दोस्तों बता देना कमेंट में क्या करना चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू गाइस, चल रहे।